हेलो एवरीवन, आज हम लोग टिम्बर के फोर्थ लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें कि आपका फर्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ टिम्बर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टिम्बर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। टिम्बर इज यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पोस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम, कंस्ट्रक्शन ऑफ राफ्टर, ब्रिज, पाइल्स, पोल्स एंड रेलवे स्लीपर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टिम्बर को सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, कट किए थे। कट करने के बाद हम लोग सीजनिंग किए थे। सीजनिंग के बाद अब हम लोग टिम्बर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, विंडोज में, डोर में, टेबल में, ओके, और बीम्स वगैरह में, राफ्टर में, ब्रिजेज में भी यूज करते हैं। पाइल्स हो गया आपका, जब हम लोग पाइल्स पाइल्स जो करते हैं वो टिम्बर के ही पाइल्स होते हैं। पोल्स में, पोल्स देखते होंगे कहीं कहीं हम लोग पोल्स का यूज करते हैं, जैसे बिजली वगैरह में, लाइट के लिए। तो वो भी पोल्स हमारा क्या चीज़ से बना होता है, टिम्बर से। रेलवे स्लीपर में, रेलवे स्लीपर भी आपका क्या चीज़ से बना हुआ है, तो ये भी आपका टिम्बर से बना हुआ है। ये सब यूज हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट इन टिम्बर, मतलब टिम्बर में क्या क्या अवगुण हो सकता है, क्या क्या दोष हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन टिम्बर आर हर्ट सेक, स्टार सेक, कप सेक, रेडियल सेक, रिंड गेल्स, वाइंड क्रैक्स, नोट्स, डेड वुड्स। इतने टाइप के जो आपको मेंशन किया गया है, ये सारे डिफेक्ट्स हैं टिम्बर में। मतलब टिम्बर में बहुत सारा अवगुण हो सकता है, बहुत सारा दोष हो सकता है। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि किस टाइप के दोष को हम लोग कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट में आपका है हर्ट सेक। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वही स्ट्रक्चर है जो शुरुआत में हम लोगों ने एक्सोजीनियस ट्री के स्ट्रक्चर देखे थे, कब, आफ्टर कटिंग द ट्री, लॉक्स ऑफ टिम्बर वाले सेक्शन में। तो वो वाले सेक्शन में देखिए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दरार देखने को मिलेगा। उसी दरार के वजह से हम पहचान पाएंगे कि हमारे जो टिम्बर है वो सही नहीं है, उसमें कुछ दोष है। अब पहला जो आपका बता रहा है हर्ट सेक, उसको हम कैसे जानेंगे, क्यों डेवलप होता है। हर्ट सेक आर काउज ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पार्ट्स ड्यू टू एज। कहने का मतलब, जैसे जैसे हमारा टिम्बर या पेड़ पुराना होते जाता है समय के साथ, वैसे वैसे क्या होते हैं, उसमें कुछ श्रिंक होने लगता है, उसके इंटीरियर पार्ट्स जो है डैमेज होने लगते हैं। इसी वजह से आपका हर्ट सेक डेवलप होता है। हर्ट सेक स्ट्रेट अक्रॉस द ट्रंक इज नॉट अ सीरियस डिफेक्ट। जैसे ट्रंक के स्ट्रेट वाले पार्ट में हुआ, जैसे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा, ये कहाँ से मिला हमको, जब ट्रीज का ट्रंक वाला पार्ट को हम लोगों ने कट किया था, तो वही वाला पार्ट में जो से आपको दिखाई दिया कि इस तरीके से डिफेक्ट आ गया, तो ये डिफेक्ट आपका वहीं से आया, और ये आपका कोई सीरियस डिफेक्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब, अगर ऐसा डिफेक्ट है तब भी हम इसको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, आपको हर्ट सेक में डायग्राम में से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो हर्ट सेक है। अब ये हर्ट सेक कहाँ से कहाँ तक हुआ। दीज आर स्प्लाइट्स ऑकरिंग इन द सेंटर ऑफ द ट्री एंड रनिंग फ्रॉम द पिथ टूवर्ड्स द सैप वुड फ्रॉम द मेडुलरी रेज इन सम टिम्बर। दीज स्प्लाइट्स आर हार्डली विजेबल इन सम टिम्बर्स, दीज आर क्वाइट परमानेंट। सेंटर वाले पोर्शन से बाहर की ओर जो आपको बाहर की ओर जो दिखाई दे रहा है दरार इस टाइप से, यही आपका क्या कहलाएगा, हर्ट से कहलाएगा। ये कहाँ से होता है स्टार्ट, तो पिथ से स्टार्ट होगा और बाहर की तरफ जाएगा। जैसे मेडुलरी रेज देख आप लोगों ने देखा था, मेडुलरी रेज किस टाइप का होता था, पिथ से स्टार्ट होता था और इस टाइप से बाहर जाता था। तो सेम उसी तरह से आपका जो हर्ट सेक है, जो भी दरार वगैरह है, वो
आपका पिथ से स्टार्ट होगा और बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप्स के अवगुण अगर पाया गया टिम्बर में तो आपका हर्ट शेक होगा। सेकेंड है आपका स्टार शेक। स्टार शेक में क्या कहता है, दीज आर स्प्लाइट्स विच रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टिम्बर और फ्रॉम द बार्क रनिंग इन द प्लेन्स ऑफ मॉडुलरी रेज, दीज ऑकर्स ड्यू टू सर्व फ्रॉस्ट और स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। मतलब सन में क्या हुआ, आपने टिम्बर के लॉक्स को रखा तो सन के वजह से या तो अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी के वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका आउटर बार्क है ये बाहर से यहाँ से क्या हुआ, क्रैक डेवलप्ड स्टार्ट हो गया और ये कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइप से ये क्रैक होता है कि देखने में स्टार के फॉर्म में लगता है। तो ऐसे टाइप्स के क्रैक्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं टिम्बर में तो ये आपका स्टार से कहलाएंगे, ठीक है। और थर्ड है आपका कप शेक। अब हम जानेंगे कि कप शेक कैसे डेवलप होता है। अभी तक मैं ये तीसरा आपका डिफेक्ट है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये सेम स्ट्रक्चर है, वही ट्री के सेम स्ट्रक्चर है, पर इसका जो डिफेक्ट है वो अलग अलग टाइप से हो रहा है। फर्स्ट में हम लोगों ने देखे थे कि पिथ से सेंटर की ओर हो रहा था। सेकेंड में हम लोगों ने भी क्या देखा था कि बाहर से अंदर की ओर हो रहा था। अब थर्ड वाले क्या है, मतलब डिफेक्ट हमारे टिम्बर में अलग अलग तरीके से हो रहा है, जिसका कि अलग अलग नाम दिया गया है। अब आपका है कप शेक। दीज आर कर्व्ड स्प्लाइट विच सेपरेट द होल और पार्ट ऑफ द एनुअल रिंग फ्रॉम एन अदर, दीज आर कॉज्ड ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टिम्बर। मतलब अगर मेरा टिम्बर का एक जैसा ग्रोथ नहीं होता है, अनइक्वल ग्रोथ होता है, तो उसके वजह से आपका कप शेक डेवलप होता है। दूसरा क्या कहता है कि आपको जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जो हमारा एनुअल रिंग्स है वहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाता है और एक कर्व के शेप में वो हमको देता है। तो ऐसे टाइप्स के डिफेक्ट हमारे कप शेक कहलाएंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका रेडियल शेक। दीज आर सिमिलर टू द स्टार शेक एंड ऑकर्ड इन फील्ड टिम्बर व्हेन एक्सपोज्ड टू सन ड्यूरिंग सीजनिंग। हम लोगों ने सीजनिंग पढ़ा था कि टिम्बर का हम लोग सीजनिंग करते हैं, तो सीजनिंग के दौरान क्या होता है, अगर बाहर से सन के वजह से अगर इसमें क्या हुआ, किसी सन के वजह से या बाहरी वेदर के वजह से डिफेक्ट आना स्टार्ट हो गया टिम्बर में, तो वैसे टिम्बर आपके रेडियल शेक कहलाएंगे। और इसका सेम इसका जो है स्टार शेक के तरह ही डिफेक्ट होता है, जैसे स्टार शेक में हम लोग पढ़े थे सेम वैसा ही डिफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइंड गेल्स। दीज आर टाइपिकल इन लार्ज स्वेलिंग एंड अकर्स ड्यू टू ब्रांचेज कट ऑफ। देखिए आपको यहाँ पे इस टाइप के जो डिफेक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग रिंड गेल्स बोलते हैं। हम लोगों ने अपने रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट्स देखे हुए हैं, बट हमें टेक्निकल इसका वर्ड नहीं पता होता है कि ये कौन सा डिफेक्ट है। तो रिंड गेल्स में क्या कह रहा है कि हम लोग जब ब्रांचेज को कट कर देते, जैसे ये ट्री है तो ट्री में हम लोगों को बहुत सारे ब्रांचेज भी देखने को मिलते हैं, जब इसका हम प्रॉपर से कटिंग नहीं करते हैं, जैसे कट किए कुछ पोर्शन आपका यहाँ रह गया, तो यही पोर्शन क्या होता है, स्वेल कर जाता है और बड़ा सा, तो यही वाला डिफेक्ट आपका रिंडगेल्स कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका वाइंड क्रैक्स। अब वाइंड क्रैक्स कैसे हो सकता है, दीज आर सेक्स और स्प्लिट्स ऑन द साइड्स ऑफ ए बार्क और टिम्बर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ एक्सटीरियर सरफेस एक्सपोज टू एटमोस्फेरिक इन्फ्लुएंस। यहाँ आपका लॉक्स ऑफ टिम्बर है, ठीक है। अब ये क्या हुआ,
हमारा एटमॉस्फेरिक के वजह से, मतलब वातावरण में के वजह से, जहाँ ये टिम्बर आपका रखा है, कभी पानी से, कभी धूप से, कभी बारिश से, क्या हो रहा है, आपका जो बाहर वाला बार्क है, लकड़ी का जो छाला है, वो क्या हो रहा है, उससे उससे बाहरी वाला बार्क को नुकसान कर रहा है, और इसके वजह से उसमें धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप हो जाता है। तो ऐसे टाइप्स के क्रैक्स जब डेवलप हो गए, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, वाइंड क्रैक्स कहलाएगा। तो अब उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। नोट, दीज आर द रूट्स ऑफ द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ द ट्री, दीज आर नॉट हार्मफुल। यहाँ पे आपको डायग्राम में इस टाइप से नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। नोट्स मतलब हो गया गांठ। क्या होता है, जब आपका पौधा छोटा है और बड़ा हो गया, तो उस समय अगर हम इसका इम्प्रॉपर कटिंग नहीं करते हैं अच्छे से, तब हमारा ये नॉट्स डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डेड वुड। इट इज द डिफिशियंट इन स्ट्रेंथ एंड वेट, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रीज बीइंग फेल्ड आफ्टर मेच्योरिटी। क्या हुआ, मेच्योर होने से पहले ही आपका ट्री फेल हो गया, तो वैसा जो ट्री है या वुड है आपका डेड वुड कहलाएगा। इसके पास स्ट्रेंथ भी कम होगा, वेट भी कम होगा, जिसके वजह से हम लोग इसको अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं कर सकते, या अदर पर्पस में भी यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे वुड आपका डेड वुड है। तो आई होप आप लोगों को सारा टर्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।